हेलो दोस्तों, देखिए पाकिस्तान के पूर्व तेज तर्रार गेंदबाज शोएब अख्तर ने ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 जो भारत में आगामी होने वाला है 5 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है उसके लिए बड़ी स्टेटमेंट दी है और तीन बड़ी टीमों का नाम लिया है जो ओडीआई का वर्ल्ड कप का ट्रॉफी उठा सकता है। किस पे बात की, वहीं भारत पाकिस्तान पे भी जम के बात की है। क्या कुछ कहा इसी पर आप लोग से बात करेंगे। आप लोगों को हाजिर होकर नमस्कार, आप सभी लोग मेरे चैनल स्वागत है, मेरा नाम सतीश मिश्रा है। देखिए शोएब अख्तर जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है तो अपने बोलेपन से जाने जाते हैं, कुछ ना कुछ बयान देते रहते, कुछ ना कुछ बातें करते रहते। कभी कभी उनकी बातें काफी अच्छी भी रहती है, कभी कभी बातें उनकी बेबुनियाद निराधार भी रहती है, आधारहीन भी रहती है। तो शोएब अख्तर ने क्या कहा उस पर आप जानते हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि 14 अक्टूबर को जहां भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा ओडीआई वर्ल्ड कप में, उन्होंने कहा कि 50-60 सालों में यह मुकाबला सबसे शानदार, सबसे सुनहरा मुकाबला होने वाला है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा, जहां पे 14 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान आपस भिड़ेंगे। ये नहीं कहा जाएगा कि ये ओडीआई का वर्ल्ड कप है, ये कहा जाएगा ये भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला है, ये दो देशों का मुकाबला है। आगे उन्होंने कहा पाकिस्तान जब शुरुआत करेगी तो अंडरडॉग खेलेगी और मैं पाकिस्तान को चाहता हूं कि तीन फास्ट बॉलर, दो स्पिनर और एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर के साथ पाकिस्तान उतरे, जिससे उसकी टीम जो काफी मजबूत हो। आगे उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान जिस तरह से खेलना चाहती है उसी तरह से खेले, अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ, सही राइट डिसीजन के साथ खेले। आगे उन्होंने कहा भारतीय टीम के साथ ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने की पवल दावेदार इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान भी होगी। मतलब उन्होंने तीन टीमों का नाम लिया है, एक भारत के बोला है, इंग्लैंड बोला है और पाकिस्तान अपनी टीम को सपोर्ट किया है कि वो भी ओडीआई वर्ल्ड कप जो भारत में होने वाला है उसको, उसकी जो ट्रॉफी है उसे उठाने के प्रबल दावेदार बताया है। ये शोएब अख्तर का स्टेटमेंट है। आगे उन्होंने कहा कि ये जो बात कही है कि पाकिस्तान अंडरडॉग खेलेगा, ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात सिर्फ भारत पे प्रेशर डालने के लिए बात कही गई, माइंड गेम खेला गया है। क्योंकि आपको पता कि अब 2 साल से देखा गया कि कोई भी अंडरडॉग नहीं है, भारत अंडरडॉग हो गई है, पाकिस्तान थोड़ा चढ़ के आती है। अब देखा गया है, अब ये देखा गया है कि 2 सालों से जब से एशिया का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, एशिया कप में जहां पे हुआ तो वहां हारा था भारत, वहां पे 10 विकेटों से हारा था T20 वर्ल्ड कप 2021 में। उसके बाद से तो यही लगा कि थोड़ा सा भारत हल्के मारा, पाकिस्तान ज्यादा हार्ड आ रहा है। और जो ये जो मीडिया हो गया, सोशल मीडिया इस तरह प्रेशर क्रिएट करता है भारत पे, उससे मुझे लगता है थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ा है। तो अब भारत अंडरडॉग हो गई है, पाकिस्तान अंडरडॉग नहीं रह गई है, यह बात कहना गलत नहीं है। पाकिस्तान चढ़ के आ रही है, अभी देखिए लास्ट मुकाबला अभी देख लीजिए एशिया कप में हुआ, वहां पे भी 4 विकेट अपने ऊपर के गिरा दिया आपने 66 रन पे ही। तो ये जो शोएब अख्तर ने अंडरडॉग की बात कही, ये तो माइंड गेम हो गया, ये तो भारत पे प्रेशर बनाने की बात हो गई, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। और दोनों टीमों का हमको लगता है 50-50% पे मुकाबला होगा, दोनों टीमें तैयार होंगी। ये बात जरूर होगा कि एडेड एडवांटेज भारत के पास होगा, लेकिन एशियन कंडीशन में पाकिस्तान खेलने की पूरी उनके पास एक्सपीरियंस, उनके पास सब कुछ है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यार पाकिस्तान अंडरडॉग है, भारत थोड़ा सुपर है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तगड़ा मुकाबला होगा। और जो ये 50-60 साल की बात है, ये बात सही कि सबसे सुनहरा, सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है 14 अक्टूबर को भारत बनाम पाकिस्तान को ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में। तो यही बात कही है। और जो तीन टीमों को प्रेडिक्शन किया है, भारत के साथ इंग्लैंड का नाम लिया है और पाकिस्तान का नाम भी लिया है शोएब अख्तर ने, इस तरह की बातें कही। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब ख्याल रखिए, मिलते हैं इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।